मैं एक नो डिस्प्ले का केस बताने वाला हूँ कि AMD का है ये मदरबोर्ड, आप देखिए ECS कंपनी का। तो क्यों नो डिस्प्ले है, चलिए आज जानते हैं। तो फिलहाल अभी पहले स्टेटस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कार्ड में, ये ब्लिंक करेगा रीसेट, ये देखिए ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इसका अगर एरर आया तो आपको नो डिस्प्ले का, इस ख़ास तौर से इस टाइप के AMD मदरबोर्ड में, ब्राउन कलर के जो मदरबोर्ड्स आते हैं उसमें। तो देखिए ये मल्टीमीटर में आपको DC रेंज पे सेट करना है। और सबसे पहले आपको चेक क्या करना है आपको बता देता हूँ, CMOS बैटरी चेक करना है। देखिए CMOS बैटरी में कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हो। अभी हमें क्या करना है, सिंपल इसको बैटरी को चेंज करना है, ठीक है। 3 वोल्ट की बैटरी होती है, फिर लगा के देखना है दूसरा। तो फिलहाल ये हमारे पास एक बैटरी है, देखिए है बैटरी, तो ये बैटरी हम लगाएंगे और इस पर वोल्टेज आपको चेक करके दिखाते हैं। फिलहाल देखिए देखिए 2.3 वोल्ट, यानी कि ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। अब चलिए ऑन करके देखते हैं, हमने इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करा। ये देखिए अभी भी ब्लिंक कर रहा है, बट अब हम क्या करेंगे इस केस में, प्रोसेसर चेंज करके देखेंगे, ठीक है। अगर प्रोसेसर चेंज करने से नहीं होता तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अगर नो डिस्प्ले है तो। देखिए हीट हो रहा है, बट इसमें क्या है कि ऑलरेडी हमने चेक किया तो ये अटैम्प्ट है मदरबोर्ड रिपेयर, लेकिन इसमें बैटरी ख़राब होती है जनरली। आप बैटरी को ज़रूर चेक करें, आपका नो डिस्प्ले का इशू मोस्टली सॉल्व हो जाता है, ठीक है, अगर इस तरह से होता है तो। अगर ये ब्लिंक नहीं करता है इन केस, तो यहाँ पे देखिए ये रिजेक्टेड मदरबोर्ड आई थिंक, मुझे लग रहा है। तो फिलहाल तो हम क्या करेंगे, एक बार प्रोसेसर को बदल के देख लेंगे और उसके बाद से सेम प्रॉब्लम आएगा तो फिर ये मदरबोर्ड में VRM सेक्शन क्या होता है, फॉल्टी होता है, जैसे कि या तो प्रोसेसर ही फॉल्टी होगा। तो हम क्या करेंगे, कोई और प्रोसेसर होगा तो उससे बदल कर देख लेंगे। देखिए यहाँ पे अभी भी यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स कि ये प्रोसेसर ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम ओके से चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, इस दूसरे मदरबोर्ड में लगाया हूँ तो सेम इसमें कंडीशन बता रहे थे, यानी कि ये हमारा प्रोसेसर इस केस में ख़राब है। तो प्रोसेसर को रिप्लेस करिए, आपका डिस्प्ले आ जाएगा। अगर चेक करता हमारे स्टॉक में प्रोसेसर हो तो लगा के देख लेंगे, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर ही एक दूसरा मदरबोर्ड रख दिया था सेम चेक करने के लिए, 2 मदरबोर्ड आए थे, दोनों में सेम प्रॉब्लम था, इट मीन्स प्रोसेसर हमारा फॉल्टी है। दोस्तों देखिए हमें प्रोसेसर तो मिल गया, एक बार प्रोसेसर को हम बदल के देखते हैं और कार्ड को भी लगाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेसर गुड है, आई थिंक गुड होना चाहिए। तो चलिए अब लगा के देखते हैं डेटा बनता है या नहीं। तो ये देखिए डेटा बन चुका C5, इट मीन्स हमारा मदरबोर्ड ओके है। चलिए रैम लगा के देखते हैं फिलहाल। तो इसमें इस केस में आपने देखा कि हमारा प्रोसेसर ही ब्लिंक कर रहा था, एंड मीन्स प्रोसेसर खराब 100%। देखिए 36FF62 और डिस्प्ले भी हमारा आ जाएगा। तो देखिए VGA केबल लगाया और डिस्प्ले भी हमारा आ चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड मदरबोर्ड भी हम चेक कर लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेकंड बदलते हैं। तो यही मदरबोर्ड था जो आपने देखा था, हमने CMOS बैटरी बदली थी और ये रिपेयर एक्टिविटी हुई थी और ये MOSFET लगा हुआ है, रिपेयर हुआ है, बट प्रोसेसर ही ख़राब था इनका मदरबोर्ड। उनकी रैम भी ओके थी, गुड थी, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। ये हमारा केस स्टडी था आज का, बहुत सिंपल था आपने देखा। और इस मदरबोर्ड में यही होता है और कुछ होता नहीं, ठीक है। बहुत अगर ख़राब हो जाता है तो ये रियली में तो ये रिपेयर नहीं होता, जैसे कि ऑन नहीं होना, शॉर्ट हो जाना बार बार, इस टाइप की प्रॉब्लम ज़्यादातर से आती है इस मदरबोर्ड में। चलिए फिलहाल हम क्या करते हैं, इसमें अपना ये प्रोसेसर बदल के आपको दिखा देते हैं। इस प्रोसेसर से इसमें भी वो ब्लिंक नहीं करेगा, 100% डिस्प्ले आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम डेटा बन चुका है C5, इट मीन्स ओके। और चलिए इसमें रैम लगाते हैं और डिस्प्ले देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, VGA केबल लगा लेते हैं, अभी VGA पे कोई डिस्प्ले नहीं है। सो दैट की अब देखिए यहाँ पे डिस्प्ले भी हमारा आना चाहिए, यहाँ पे देखिए 99 और डिस्प्ले भी हमारा आ जाएगा। अब ये देखिए इसमें दिक्कत है, यहाँ पे डिस्प्ले तो नहीं आया, बट मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा लूज़ है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले आया क्या कि नहीं, नहीं आया। तो इसका एक सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, अभी इसको बंद कर देते हैं। अभी इसमें हम क्या रख लेते हैं, हीट सिंक, ठीक है, फिलहाल हीट सिंक रख लेते हैं, जिससे हमें इसकी जो प्रॉब्लम है एनालाइज करने में
इजी हो, ठीक है। तो कीबोर्ड पे तो आ जाएगा, अभी कीबोर्ड पे मैं दिखाऊंगा, बट इसके लिए निश्चिंत रहिए। देखिए यहाँ पे 99 और 6262 और डिस्प्ले भी आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक छोटे से वो लगे होते हैं, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करके देखना होगा। तो यहाँ से भी नहीं आ रहा और यहाँ से भी नहीं आ रहा, यानी इट मीन्स की प्रॉब्लम कुछ और ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कीबोर्ड में देखेंगे, ठीक है। कीबोर्ड में आ रही है तो सब कुछ ओके है। देखिए कीबोर्ड में तो आ रहा है, तो 100% इसमें भी आना चाहिए। तो पहले इसे शॉर्ट करके देखिए, शॉर्ट करने से ही नहीं आ रहा है। ये देखिए ये जो पॉइंट है, तो इसमें भी नहीं आ रहा है। ओके शॉर्ट करके देखते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है इसी चीज़ का। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कार्ड लगा के देखेंगे, ठीक है। इसमें कौन सा कार्ड, वीजीए कार्ड। दोस्तों ये पीसीआई वीजीए कार्ड लगा के चेक करते हैं इस पर। ये देखिए ऑन किया और बंद हो जा रहा है हीट ओवर हीटिंग से। सो कि इधर दोबारा देखते हैं और वीजीए पे डिस्प्ले आ गया। देखिए डिस्प्ले आ गया वीजीए पे। तो हमारा जो पोर्ट है इससे रिलेटेड, ये पोर्ट टूट गया होगा या जो भी होगा, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे कैसे डिस्प्ले की प्रॉब्लम हमने फिक्स किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।